अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो सीरीज जो कि कम्टीशिया वीडियो एडिटर के हवाले से है। इसमें हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जो कि न्यू बिगनर्स यूट्यूबर्स या वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, शौक रखते हैं, उनके लिए बेसिक से शुरू करेंगे। मैं भी आप लोगों को में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले कम्टीशिया से बहुत अच्छी हाउना है। तो मेरा ये ट्यूटोरियल और ये सीरीज न्यू बिगनर्स के लिए होगी, यूट्यूबर्स के लिए। तो क्योंकि शुरू में बड़ी परेशानी आती है कौन सा वीडियो एडिटर यूज किया जाए, तो अगर आप पीसी लैपटॉप वगैरह पे यूज कर रहे हैं तो आप कमटीशिया यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज है और बहुत ही लाइट वेट है, यानी कि सिस्टम को ज्यादा लोड नहीं पड़ता इसका। इस वीडियो में सिर्फ हम इंटरफेस के बारे में देखेंगे कि और टूल्स वगैरह देखेंगे इसके क्या कुछ है और क्या कुछ टूल्स से हम काम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उन टूल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कम्टीशिया को ओपन कर लेंगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स शो हो रही हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स हैं तो। रिसेंटली में कोई भी नहीं है, न्यू पे हम चलते हैं तो देख सकते हैं आप, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। कम्टीशिया का ये फुल इंटरफेस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ बिन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं कम्टीशिया का पुराना प्रोजेक्ट, ये मैं पुराना प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ। कोई चेंजेस नहीं हमने करने प्रोजेक्ट में, बस ये आ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे मीडिया यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या ऐड टू टाइमलाइन करके, ये हमारी टाइमलाइन वाली विंडो होती है जिसमें हम सारी एडिटिंग या जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं सारे इंप्लीमेंट हमारे इस बार में होंगे, टाइमलाइन बार पे। तो ये आप प्ले करके भी देख सकते हैं। और इसमें हम इसका जूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल करना हो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट है, और रीडू वगैरह के ऑप्शन काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ये हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे, अभी बेसिक इंट्रो है। और ये साथ ही हमारे इधर राइट साइड पे प्रॉपर्टीज बार ओपन हो जाती है, इसमें सेटिंग्स वगैरह सारी हैं कि हम ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्केल कैसे करना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट है ऑडियो के हवाले से, और कर्सर हमारे के किस तरह शो होगा इधर। तो बाकी साइड बार में हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जिसमें आइकॉन्स हैं, इंट्रोज हैं, काफ़ी सारे इंट्रो यानी कि टेम्पलेट्स हैं जिसे आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, इन्हें भी हम डिटेल से देखेंगे। म्यूजिक्स वगैरह दिए हुए हैं, लोअर थर्ड है, एनिमेशन हैं काफ़ी सारी, बिल्ट इन टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं इधर। आप इन्हें आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा, फेवरेट में आप ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन के हवाले से कर्सर वगैरह बिल्टन काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ब्लर वगैरह का इफेक्ट कहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस हैं, किधर इफेक्ट किस तरह का देना चाह रहे हैं ये आगे हम देखेंगे। और मोर में बिहेवियर्स हैं, कर्सर इफेक्ट है, वॉइस की हम सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह हैं, वर्चुअल इफेक्ट जिसमें हम ये सबसे बड़ा ग्रीन बैकग्राउंड वगैरह को जो हम करते हैं रिमूव, इसमें हम कर सकते हैं वर्चुअल इफेक्ट में बैकग्राउंड को रिमूव। तो और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गया तो एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे लोकल, और यहाँ से हम यूट्यूब, वीमो या जिस पे भी आप शेयर करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिस मर्जी क्वालिटी पे, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप सेव करना चाह रहे हैं, और देन फिनिश ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी रेंडरिंग। इस पे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हवाले से जितना भी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।